तुरकौलिया में एक सरकारी स्कूल में आयरन की दवा खाते ही आधा दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। बच्चे की बेहोशी की हालत में देख स्कूल में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना पर एम्बुलेंस से पीड़ित बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बीडीओ रमेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी स्कूल का जायजा ले रहे हैं। तुरकौलिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई का घटना बताया जा रहा है। दवा खाने के बाद बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी और एक दर्जन बीमार हो गए। सभी सीएचसी तुरकौलिया में इलाजरत है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने कहा कि बच्चों की स्थिति ठीक है। स्कूल में पढ़े घर लिए हम तो काम करे वाला आदमी काम करे घर में से घरे दूसर बच्चे जा कल कहे जूती दवाई खेले बड़ी बेहूस हो गई बड़ी तब हम सुन के तय हैं तो यहाँ बच्चों के लिए आया है तब यहाँ नहीं है तो देखिए जैसे तो पेट पेट दुखा रहा था फिर से चक्कर आ रहा था दवा कहाँ खाया हलो तुम लोग स्कूल किनके द्वारा खिलाया गया है हेड सर कैसे हो गया था तुमको क्या हो रहा और क्या हो रहा था दवा खाने के बाद किस क्लास में पढ़ती है क्या नाम है सूचना हम लोग मिली है स्कूल में कि कुछ बच्चे को उल्टी हो रहा है आयरन फोलिक एसिड का टेबलेट खिलाया गया था तो उसमें होता है कि खाली पेटे बच्चा खा लिया या फिर खाना खा के घर से आया है बढ़िया से नहीं खाया है तो उस सिचुएशन में होता है आयरन फोलिक एसिड खाने से उल्टी की तरह मन होता है तो कुछ बच्चे को हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग लेकर आए सबको ट्रीटमेंट हुआ है बाकी सब बच्चा स्टेबल है कुछ घर जा चुका है बाकी एक दो घंटे में सब चला जाएगा इसके इलाज करने के लिए बाहर से भी कोई डॉक्टर है नहीं बाहर नहीं हम सीएससी चिकित्सा पदाधिकारी हैं कि हमारे चिकित्सा पदाधिकारी और हमारी देखरेख में सब चीज़ हुआ है बच्चा सब स्टेबल है।